डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने बात कर लिया था फिनोल बनाने की विधियां, जिसमें फर्स्ट मेथड पढ़ चुके थे बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, उसी में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सेकेंड मेथड के रूप में हेलो एरिन से। अब हेलो एरिन से किस प्रकार से अपन को फिनोल बनाना है, यानी हेलो एरिन यानी कि उसका एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन ताप है, 320 एटीएम दाब है, उसके एनएएच के साथ संगलित कर दें तो वहां से क्या बन जाएगा, सोडियम फेनोक्साइड बन जाता है। यानी क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन ताप, 320 एटीएम दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करवा दिया जाए, संगलित करवा दिया जाए, तो किसका निर्माण हो जाता है, सोडियम फेनोक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब यहां से जो सोडियम फेनोक्साइड बनता है, सोडियम फेनोक्साइड का क्या करवा दें, यहां से अम्लीकरण करवा दें, तो किसका निर्माण हो जाता है, यहां से फिनोल का निर्माण हो जाता है। देखिए किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बनाने की वीडियो में हेलो एरिन से। हेलो एरिन से क्लोरोबेंजीन एग्जांपल के रूप में समझें, यहां से एग्जांपल कौन सा है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है, सीएल, इसका नाम क्या होता है, क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन जो है उसको NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कितने ताप पे, 623 केल्विन ताप, 320 एटीएम दाब, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप, 320 एटीएम दाब पर संगलित कर दिया जाए, यहां से किसका निर्माण हो जाता है, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो जाता है। देखो यहां से Cl और यहां का H, ये Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, ONa रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, तो यहां से यौगिक क्या बन जाएगा, ONa यहां से आउट हो जाएगा HCl, यानी कि जो बनने वाला जो यौगिक है वो क्या कहलाता है आपका, सोडियम फिनोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड बनने वाला जो यौगिक है वो कौन सा बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। अब यहां से जो सोडियम फिनोक्साइड बना है, इसे सोडियम फिनोक्साइड का क्या करवा दिया जाए, यहां से ONa, इसका अम्लीकरण करवा दिया जाए, यहां से HCl के साथ क्या करवा दिया जाए, अम्लीकरण, अम्लीकरण करवाएंगे तो देखो यहां से ये प्लस ये माइनस, यहां से टूटेगा ये प्लस, यहां पे माइनस, Na प्लस Cl माइनस, NaCl बाहर निकल जाएगा, यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा, तो देखो यहां पे O माइनस, इसके ऊपर कौन ऐड हो जाएगा, H प्लस, तो किसका निर्माण हो जाएगा, यहां से फिनोल का निर्माण हो जाएगा, कौन सा यौगिक बन जाएगा आपका, फिनोल। तो यानी कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन ताप, 320 एटीएम दाब पर NaOH के साथ संगलित किया जाता है, तो किसका निर्माण हो जाता है, सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, और इस सोडियम फिनोक्साइड का अम्लीकरण करवाते हैं, यानी अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है, फिनोल का निर्माण हो जाता है। तो ये है हेलो एरिन से। इसी में नेक्स्ट नंबर थर्ड पे बात करें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, तो इसी में नेक्स्ट जो बेंजीन सल्फोनिक जो अम्ल है उसे किस प्रकार से यहां से फिनोल का निर्माण किया जाता है, तो नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, प्रयोगशाला विधि है ये भी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। अब यहां से बेंजीन जो सल्फोनिक अम्ल है उससे किस प्रकार से यहां से अपन को फिनोल का निर्माण किया जाता है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल बनाना है, तो यानी कि मेथड जो नंबर थर्ड है वो कौन सा रहेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। यानी कि फिनोल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसमें तीसरी पॉइंट की बात कर रहे हैं यहां से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या, डियर स्टूडेंट यहां पे होता क्या है कि जो बेंजीन है उस बेंजीन का ओलियम के द्वारा यहां से क्या करवाया जाता है, सल्फोनेशन करवाया जाता है, बेंजीन का ओलियम के द्वारा सल्फोनीकरण करवाया जाता है, तो यहां से क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, और उस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को फिर क्या कर दिया जाए, यहां से NaOH के साथ गर्म कर दिया जाएगा तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, और सोडियम फिनोक्साइड का अम्ल की उपस्थिति में अम्लीकरण करवा दें तो यहां से किसका निर्माण हो जाएगा,
फिनोल का निर्माण हो जाए। कैसे होता है देखिए, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, तो यहां से ये बेंजीन है, इसका नाम क्या होता है बेंजीन, इसका सल्फोनीकरण करवाना है H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, इसका नाम क्या होता है ओलियम। बेंजीन का ओलियम के साथ क्या करवा दिया जाए सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण का मतलब क्या होता है, SO3H जो समूह है उसका जुड़ना क्या कहलाता है सल्फोनीकरण। तो यानी कि बेंजीन है ओलियम के साथ अभिकर्त हो रहा है, सल्फोनेशन करेगा, तो यहां से ओलियम जो पार्ट है अपना कौन सा समूह दे के जाएगा यहां से रिंग के ऊपर SO3H। तो यानी कि बेंजीन है और इस बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा आपका SO3H, इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग है और उस पर SO3H समूह जुड़ा हुआ है, उसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, उसका नाम क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्या बन जाएगा यहां से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। अब इस बेंजीन जो सल्फोनिक जो अम्ल बना है यहां से, इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ यहां से क्या कर दिया जाए गर्म कर दिया जाए, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इसको NaOH के साथ गर्म कर दिया जाए। यहां से ये NaOH है, इसके साथ मैंने इसको क्या किया गर्म किया, तो देखो यहां से गर्म करेंगे तो यहां से बाहर के रूप में पानी बाहर निकल जाएगा Ag प्लस और ये OH माइनस H2 बाहर निकल जाएगा। अब यहां पे SO3 पे कौन ऐड हो जाएगा यहां पे N, तो ये बन जाएगा आपका SO3Na आ जाएगा और यहां से आउट कौन हो जाएगा H2। जब बेंजीन रिंग है उस पर SO3Na ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम होता है, SO3Na क्या बोलते हैं सोडियम सल्फोनेट, किसके ऊपर जुड़ा हुआ है यहां पे बेंजीन पे, तो नाम हो जाएगा बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा बेंजीन, इस यौगिक सॉरी इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इस सोडियम जो बेंजीन सल्फोनेट बना है यहां से SO3Na जो बना है इसको वापस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहां से क्या कर दिया 573 केल्विन ताप जो है उस पर इसको मैंने क्या कर दिया गर्म कर दिया। तो देखो 573 केल्विन ताप पे मैं इसको गर्म करूंगा, तो देखो यहां से Na एक Na यहां से और एक Na यहां से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Na2, ये आउट हो जाएगा Na2SO3 सोडियम सल्फेट के रूप में बाहर निकल Na2SO3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यहां पे देखो Na यहां पे Na2SO3, अब देखो यहां से बच क्या गया 2H और एक ऑक्सीजन मिलकर यहां से बाहर क्या निकल जाएगा Na2SO3 H2 बाहर निकल जाएगा Na2SO3 Na एक Na यहां से Na2 यहां से SO3 दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन तो एक H2 बाहर निकल गया। अब यहां से क्या बच गया एक Na बच गया और एक O, ये पूरा पोर्शन हटाया यहां पे क्या जुड़ जाएगा वो एक ऑक्सीजन और एक Na यानी कि ONa यानी कि सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, कौन सा यौगिक बन जाएगा ONa जुड़ेगा बेंजीन रिंग पे तो इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड का यहां से क्या करवा दिया जाए अम्लीकरण करवा दिया जाए, सोडियम फिनोक्साइड है ONa इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए HCl, HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएगा तो क्या कहलाएगा अम्लीकरण। ये कैसे टूट जाएगा H प्लस Cl माइनस, तो यहां पे क्या आएगा प्लस यहां पे क्या आएगा माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा NaCl, बन क्या जाएगा यहां पे वो माइनस पे क्या जुड़ जाएगा H, यौगिक बन जाएगा आपका OH यानी कि फिनोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा फिनोल। तो ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल चेन। तो
क्लियर है डियर स्टूडेंट यहां से कि बेंजीन है, उस बेंजीन का ओलियम के साथ सल्फोनीकरण कराया जाता है तो क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। और इन बेंजीन सल्फोनिक अम्लों को NaOH के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। इस सोडियम फिनोक्साइड जो लवण बना है इसका अम्लीकरण करवाया जाता है यानी कि HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ से फिनोल का निर्माण हो जाता है। तो ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल का निर्माण। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है।